कानपुर शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यही नहीं, कोरोना से अब तक शहर में 43 केस एक्टिव हैं। तो वहीं अच्छी बात यह है कि जितने लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं उनमें से रोजाना लोग ठीक भी हो रहे हैं। शहर में पिछले 6 महीने से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई, लेकिन रोजाना शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां रोज केस मिलते हैं। इनमें से IIT कैंपस सबसे ऊपर है, यहां रोजाना संक्रमित पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में ही IIT कानपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 1300 से अधिक छात्र छात्राएं देश के अलग अलग हिस्सों से भाग लेने आए थे। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद से IIT कैंपस कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था। वहां रोजाना नए संक्रमित मिलना शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग हिस्सों में पाए जा रहे संक्रमितों के अलावा शहर के अस्पतालों में रैंडम टेस्टिंग के नाम पर कोई जांच नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि हैलेट में रोजाना के तौर पर 1 से 1500 व्यक्ति अपना इलाज करवाने अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। इन सभी की रैंडम जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करवा रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों में भी अब मरीजों की जाँच तक नहीं कराई जा रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में शहर में सिर्फ 2100 जाँचें हुई हैं। यह संख्या पिछले साल इन समय 10 से 12 हजार की जा रही थी। इसमें 646 एंटीजन जांच हुई, जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया। इसके अलावा 1454 RT-PCR जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।